Make no compromise in your child's education. Join the number one school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. राजस्थान रोडवेज के लगभग 5000 कर्मचारियों का पूरे राजस्थान में सन 2016 के बाद से कोई पेमेंट अगस्त 2016 के बाद कोई पेमेंट नहीं किया गया है। हमारी सबकी ग्रेचुटी बाकी है और राजस्थान सरकार में सभी कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग दे दिया गया है, लेकिन राजस्थान रोडवेज में ये वेतन आयोग आज तक लागू नहीं किया और न कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल रही है, न जो है रिटायर कर्मचारियों की कोई सुध ली जा रही है। हम लोग कम से कम राजस्थान सरकार के, ये जो अभी सरकार चुनी गई है, इन्होंने हमें जीतते समय ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही सरकार सत्ता में आएगी वैसे ही राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग मिलेगा और जो भी कर्मचारियों की बकाया राशि है उन सब का भुगतान 3 माह के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक हमारा न तो कोई बकाया भुगतान हुआ है, न समय पर पेंशन मिल रही है और न समय पर कर्मचारियों का ओवर टाइम मिल रहा है। सरकार को कई बार ज्ञापन दे दिए, आज राजस्थान में सभी डिपोज के ऊपर डिपो मैनेजर को और जिलाधीशों को ये ज्ञापन दिया गया है, सरकार कर्मचारियों का भुगतान जल्दी जल्दी करे, ये हमारी मांग है। चुनावी वार्डों में याद आता है आपको दो तीन साल हो गए संघर्ष करते, चुनावी समय आपको याद आता है? नहीं, हमारी ये सारी चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी, पर हमने जब उनको ज्ञापन दिया सरकार तो सिर्फ चुनाव समय याद आता है, चुनाव के समय आपकी याद आती है सरकार? हाँ, सरकार चुनाव के समय सबको याद करती है, सबको लोग लुभावन वायदा दे देती है और उसके बाद भूल जाती है। ये सबसे बड़ा दुख है कि सरकार ने खुद हमारे मंच पर आकर खासरेवास ने कहा था कि इस विभाग को बंद नहीं होने देंगे, इस विभाग में नई नियुक्तियां करेंगे, नई बसें खरीदेंगे, जिस स्थिति ये है सातवां वेतन आयोग देंगे और कर्मचारियों को जितने भी बकाया है उनका भुगतान हम पिछले 3 महीनों के अंदर अंदर आगे जीतने के बाद कर देंगे। लेकिन आज उस बात को 3 साल होने को आ रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई इस मामले में उत्साहजनक बात नहीं हुई।